नमस्कार साथियों, सैम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईसीईसी डिप्लोमा कोर्स के बारे में। इससे पहले के वीडियो में आपको इसका सिलेबस बता चुके हैं और कितना मार्क्स को किस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बता चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वीडियो, उसमें पेपर वन का क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। आपको जो है डिप्लोमा कोर्स में चार बुक दिया गया है। एक है पेपर वन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पेपर वन, तो इस ये हो गया पेपर। उसके बाद है आपको पेपर टू दिया गया है। देखिए यहाँ पे पेपर टू सबसे मोटा वाला जो बुक है वो पेपर टू है। इसके अलावा आपको पेपर थ्री भी दिया गया है। इस टाइप का जो बुक होगा ये क्या है, पेपर थ्री है। और एक अलग से क्या है, प्रायोगिक पेपर है। यानी कि आपको टोटल थ्योरी का तीन बुक पढ़ना है और एक प्रैक्टिकल का बुक पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ईसीईसी डिप्लोमा कोर्स पेपर वन है। ये जो दिया गया है ये पेपर वन का पीडीएफ है। आपको पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो देखते हैं चलिए क्या है इसमें ईसीईसी कोर्स की अवधारणा। पहला चैप्टर जो है दोस्तों ईसीईसी कोर्स की अवधारणा और अर्थ, प्रश्न और उत्तर आपको पीडीएफ के साथ दी जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है किंडरगार्टन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया। तो किंडरगार्टन की शुरुआत सबसे पहले कौन किया था, तो फ्रोबेल ने। कौन किया है, फ्रोबेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन शब्द, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किंडरगार्टन शब्द। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है, तो इस शब्द का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान, बच्चों का स्कूल नहीं होगा। बहुत लोग तो बच्चों का स्कूल मारिएगा, लेकिन बच्चों का स्कूल नहीं होता है बल्कि बच्चों का उद्यान होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। क्या है, सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रमुख प्रणेता थे। तो इसके प्रमुख प्रणेता कौन थे, कौन कौन थे, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल ये भी थे, जॉन डीवी ये भी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी ये भी, यानी कि उपयोग सभी, यानी कि ये सभी क्या थे, प्रारंभिक यानी ईसीईसी के क्या थे, प्रमुख प्रणेता थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दीबा स्वप्न, ये जो लिखा हुआ है ये दीबा स्वप्न के रचनाकार है। यानी कि दीबा स्वप्न के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो है कृष्णमूर्ति जी नहीं है, महर्षि भी नहीं है, तारा मोदक भाई भी नहीं है, तो कौन है, गीजू भाई बधेगा, गीजू भाई बधेगा। इसमें आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, गीजू भाई बधेगा कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए आगे यही सब क्वेश्चन आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है गीजू भाई बधेका का जन्म किस प्रांत में हुआ। प्रांत का मतलब होता है राज्य, यानी कि किस राज्य में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे बिहार, बिहार तो होगा ही नहीं, गुजरात, यानी कि आपका गुजरात सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक भी नहीं होगा और महाराष्ट्र भी नहीं होगा, गुजरात आपका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है पहली बालवाड़ी की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो पहली बालवाड़ी की स्थापना कौन किए थे, तो ताराबाई मोदक, कौन किए थे, ताराबाई मोदक के द्वारा की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है अति लघुत्रीय, इसका आंसर जो है आपको देना कितने, 20 से 30 शब्दों में आप इसको आंसर दे सकते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है जॉन डीवी ने किस तरह के पाठ्यक्रम की अनुशंसा की है। तो देखिए बच्चों के लिए खेल एवं क्रिया विधियों से युक्त उद्दीपक आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम को जॉन डीवी क्या, तो पाठ्यक्रम की अनुशंसा की है। अगला क्वेश्चन है क्रीड़ा विधि यानी खेल विधि से बच्चों में किन किन क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो देखिए क्या क्या हो सकता है खेल विधि से।
तो खेल विधि से क्या होगा, तो बच्चों में संज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावनात्मक क्षमताओं का सहज विकास होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन की विशेषता है, यानी कि क्या विशेषता है, किंडरगार्टन की विशेषता कौन कौन सी है। तो देखिए किंडरगार्टन की विशेषता निम्न है, किंडरगार्टन की विशेषता निम्न है, बच्चे उन क्रियाओं में भाग लेते हैं जो उनकी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार अनुरूप होती है, स्वकीय सीखने का मूल धारा है, सृजनात्मकता, बैठक व्यवस्था, वृत्ताकार, यानी कि ये सभी क्या है, तो किंडरगार्टन की विशेषता है, ये सभी क्या है, किंडरगार्टन की विशेषता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। मोंटेसरी, देखिए अगला क्वेश्चन चार नंबर, यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन जो है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, व्यक्तिगत शिक्षण मोंटेसरी विधि का केंद्र बिंदु है, बच्चा स्व क्रिया और क्रियाकलापों द्वारा सीखता है, यानी कि बच्चा खेलेगा तभी तो कुछ सीखेगा, इंद्रियों के उद्दीपन पर विशेष बल दिया जाता है, इंद्रिया जैसे हमारे आंख, त्वचा, नाक, कान, ये सभी क्या है, इंद्रिया कहलाती है। इसके अलावा मोंटेसरी विधि में सिखाने की क्रिया खेल पद्धति पर आधारित है, यानी कि मोंटेसरी विधि में क्या होता है, मोंटेसरी स्कूल में कि आपको कोई भी चीज सिखाया जाएगा तो खेल आधारित रहेगा। क्वेश्चन नंबर पांच है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर पांच, भारत में प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन करने में ताराबाई मोदक ने क्या भूमिका निभाई। तो मोदक, उत्तर देखिए, मोदक ने प्रारंभिक शिक्षा के भारतीयकरण में, किसमें, भारतीयकरण में सहायता की, साथ ही देश में और विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के परिवारों में प्रारंभिक शिक्षा आंदोलन को फैलाई, वह बाल बारी की संकल्पना की अग्रदूत थी। यानी कि भारत में जो है ECEC, यानी कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन करने में किसका सबसे बड़ा योगदान है, ताराबाई मोदक की। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल अवस्था को किन चरणों में बांटते हैं, यानी कि कितने चरणों में बांटा गया है, उन चरणों का नाम लिखिए, आपको सिर्फ नाम लिखना है। तो देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था को तीन चरणों में बांटा गया है, पहला गर्भाधान से लेकर जन्म तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, और 3 से 6 वर्ष तक, यानी कि यह कुल 3 चरण में बांटा हुआ है, कितने चरण में, 3 चरण में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें जो है आपको 50 से 60 वर्ड में आंसर देना है, यानी कि 50 से 60 शब्दों में आपको आंसर देना है या उत्तर देना है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना के उद्देश्य को लिखिए, इसका उत्तर देखिए क्या है, वस्तुतः प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर उन्हें स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना है। यानी कि इसका ये उद्देश्य है कि जो भी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना और शिक्षा देना है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना के उद्देश्य निम्न है, क्या क्या उद्देश्य है, तो प्रत्येक बच्चे को उसके जीवन के आरंभिक वर्षों में सुरक्षा तथा सम्मान प्राप्त हो, प्रत्येक बच्चे को संतुलित भोजन तथा उचित पोषण दिया जा सके, बच्चों के शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक गतिविधियों को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सके, इसके अलावा बच्चे की ज्ञानेन्द्रिय तथा संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमिक रूप से सकारात्मक विकास किया जा सके, बच्चों के प्रारंभिक भाषाई विकास को उचित दिशा प्रदान की जा सके। यानी कि इन सभी के लिए क्या किया जाता है, ये सभी क्या है, तो राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा की क्या है, उद्देश्य है। आप लोग इसको लिख सकते हैं या याद भी कर सकते हैं, आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जितना बताते हैं उतना सिर्फ आप लोग देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की किन किन आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।
तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर उन्हें स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन की सुनिश्चित कराना है। इसमें बच्चों की आवश्यकता है शारीरिक क्रियात्मक गति की विकास, इसके अलावा सामाजिक संवेदनात्मक, ये सभी क्या है तो बच्चों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना ही प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रणाली का मूलभूत उद्देश्य है। वर्ष तो 2013 में बने राष्ट्रीय राष्ट्रीय इसी पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार इन उद्देश्य को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रत्येक बच्चों को उसके जीवन के आरंभिक वर्षों में सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए, ये सभी क्या है तो बच्चा का क्या है तो आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे को संतुलित भोजन तथा उचित पोषण दिया जा सके, बच्चों के शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक गतिविधियों को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सके, यानी कि बच्चे को अच्छे दिशा प्रदान की जाए। बच्चे की ज्ञानेन्द्रिया तथा संज्ञानात्मक पक्ष को क्रमिक रूप से सकारात्मक विकास, यानी कि ज्ञानेन्द्रिया यानी कि त्वचा वगैरह का अच्छे से विकास हो सके। बच्चों के प्रारंभिक भाषाई विकास को उचित प्रदान की जा सके, यानी कि बच्चों को अच्छे तरह से बोलने का ढंग सिखाना होगा। ये सभी क्या है तो बच्चों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है अमोनिया रोग के लक्षण, कारण एवं दूर करने के संभावित उपाय को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया रोग के लक्षण, कारण एवं दूर करने के संभावित उपाय निम्न है। अगर आप एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको खुश होकर जरूर है कि अच्छा मार्क्स ही देंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है, रोग के लक्षण, रोग के लक्षण है थकान तथा चिड़चिड़ाहट, यानी कि अनिमिया रोग में आपको क्या होगा थकान होगा, इसके अलावा आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होगा, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, हाफना। रोग के कारक क्या है तो लौह तत्वों की कमी, यानी कि आयरन की कमी के कारण ये होता है। इसका उपाय क्या है तो आयरन से भरपूर फल तथा सब्जी का सेवन किया जाना चाहिए। तो देखिए ये सब हो गया आपका क्या आंसर, आप लोग इसी तरह से अगर लिखिएगा तो एग्जामिनर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स देगा, यानी कि जितना हो सके वह आपको मार्क्स देगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में भावनात्मक संबंध की आवश्यकता क्यों है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल में भावनात्मक संबंध क्यों होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैकडूगल के अनुसार हर बच्चा जन्मजात मौलिक संवेग तथा भावनाओं के साथ जन्म लेता है। ये मनुष्य की ह्यूमन का नेचर है, यानी कि आदमी का नेचर है कि वह भावनाओं से जुड़ा होता है। इस क्रम में उसकी सबसे पहली भावना सुरक्षा असुरक्षा की होती है। जन्मजात शिशु के रूप में उसकी देखरेख जितनी सावधानी तथा प्रेम पूर्वक की जाती है उसके अंदर सुरक्षात्मक लगाव, प्रेम, प्रसन्नता तथा वातावरण के प्रति विश्वास जैसे सकारात्मक भावनाओं का विकास होता है। यानी कि बच्चे को आप जितना अच्छे से सुरक्षित रखिएगा, उससे प्रेम कीजिएगा, स्नेह रखिएगा, तो उसमें सकारात्मक भावना का विकास होगा। इसके विपरीत अपने आरंभिक वर्षों में यदि बच्चों को किसी अप्रिय घटना का अनुभव हो जिससे उसके मन में असुरक्षा या डर की भावना बलपती हो जाए तो बच्चे में अपने वातावरण के प्रति अविश्वास और कुंठा जन्म होता है। आगे चलकर यही असुरक्षा कई नकारात्मक भावना तथा व्यवहार को जन्म देती है। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के भावनात्मक परिवेश को सकारात्मक रूप से पूर्णवलित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर उसकी प्रशंसा करना एवं उसका उत्साह बढ़ाना। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में सकारात्मक भावना का विकास होगा, इससे बच्चा गलत काम नहीं करेगा और कुंठित नहीं होगा। यही क्या है तो भावनात्मक संबंध की आवश्यकता इसलिए। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में फ्रेडरिक फ्रोबेल के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आपको इस तरह से लिखना है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में फ्रेडरिक फ्रोबेल के योगदान का उल्लेख इस प्रकार है। जैसे
इन्होंने क्या शुरू किया था, तो नर्सरी, किंडरगार्डन, प्रेपरेटरी जैसे कई नामों से प्रचलित यहाँ पूर्व विद्यालय या क्या प्री स्कूल व्यवस्था बालक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्व के कई विचारक ने आरंभिक काल की शिक्षा पद्धति को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम जर्मन विद्वान फ्रेडरिक का था। किसका? फ्रेडरिक फ्रोबेल का था। जिन्होंने सर्वप्रथम किंडर गार्डन की शुरुआत की। किसकी? किंडर गार्डन की शुरुआत की। इस जर्मन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। सन 1782 में प्रशिया में जन्मे फ्रेडरिक फ्रोवेल ने इस क्षेत्र में अनूठे प्रयोग किए। उनका मानना था कि बच्चा स्वयं ही सृजनशील ऊर्जा से युक्त होता है। एक शिक्षक के रूप में आपका कार्य उसे प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है, उसकी ऊर्जा को क्या तो दिशा प्रदान कर आप उसकी अंतर्निहित क्षमताओं का स्वाभाविक विकास कर सकते हैं। इन्हीं मान्यताओं के साथ उन्होंने अपने किंडरगार्टन में अनूठे प्रयोगों को नींव रखी। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं क्रीड़ा उपहार यानी कि प्ले गिफ्ट। यह अवसर बच्चों के कौतूहल को जगाने में सहायक होता है। वे कई प्रकार के ज्यामितीय आकारों के कार्ड अथवा टुकड़ों को एक डब्बे में रखकर उसे उपहार का स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक डब्बा में प्रयोग के विधि से संबंधित एक निर्देश पत्र होता था जिसे बच्चे स्वयं ही सिद्ध करने का प्रयास करते थे। इस प्रक्रिया में बच्चे स्वयं ही क्रियाशील होकर अपनी क्षमताओं का स्वाभाविक विकास करने में सक्षम हो जाते थे। इस प्रकार प्रविधि हम आज भी बच्चों को तार्किक तथा अनुक्रमिक चिंतन से जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों में अधिगम के प्रति स्वाभाविक रुचि का विकास भी संभव हो सकेगा। प्रोबेल के उपहार के प्रयोग को निम्नांकित आरेख द्वारा समझा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको करके बताना है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आपके अनुसार इसी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, यह अन्य घटकों के सफल समायोजन में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाया है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है। यानी कि आपको अपने बुक से ढूंढ कर लिखना है, और कैसे लिखना है आप समझ ही सकते हैं, आपके पास बुक भी होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।